हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ शराब की नशा एक सामाजिक अभिशाप। हमारे समाज में, हमारे कल्चर में, हमारे देश में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो सोशल ड्रिंकिंग करते हैं। मतलब कोई उत्सव है, शादी है, फिर धूल मट्टी है, या कोई ऐसा मतलब बड़े बड़े उत्सव है, त्यौहार है उस समय, या कोई पार्टियां हैं, कॉन्फ्रेंसेस है, तो वहाँ सोशल ड्रिंकिंग करते हैं। और सोशल ड्रिंकिंग ये नॉर्मल माना जाता है। तो उसका उल्टा है कि कभी कोई आप सोशल ड्रिंकिंग नहीं करते हो तो आपके ऊपर बाकी लोग भिड़ जाएंगे कि आप शराब नहीं पीते करके। तो ऐसे सोशल ड्रिंकिंग करने वाले, मतलब हफ्ते में एक दो बार लेने वाले जो लोग हैं, वो व्यक्ति 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति शराबी बन जाता है। मतलब जो 6 की 6 जो लोग हैं जिसमें से एक व्यक्ति शराबी बनता है, वो ऐसे जगह पे खड़ा है कि वो कभी भी शराबी बन सकता है। शराबी मतलब क्या? शराबी मतलब हमारा दैनंदिन जीवन जो है, वो जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब की ज़रूरत होना। उसके सिवाय हम जीना जी नहीं सकेंगे, काम ही नहीं कर सकेंगे, दिमाग चलेगा ही नहीं। शराब लिए बिना हम काम शुरू नहीं कर सकते, उसको बोलते शराबी। शराबी लोगों का आयुष्मान जो रहता है, आयुष्यमान, वो 10 से 15 साल से बाकी लोगों से कम होता है। वो जल्दी मर जाते हैं। और वैसे ही शराबी लोगों में हार्ट डिसीजेस, हृदय के विकार, लीवर के विकार, लीवर डिसीजेस और खुदकुशी, ये बहुत कॉमनली दिखाई देता है। शराब पीने से चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा करना, फिर जो बारीक मोटर सिम्टम रहते हैं, मतलब जो मोटर एक्टिविटी रहती है, ऐसे छोटे छोटे काम करना, ऐसा बराबर लिखना तो नहीं जमेगा, राइटिंग जमेगा नहीं, या कोई भी ऐसा फाइन वर्क जो है वो जमेगा नहीं। उनको इमोशनली वो अनस्टेबल हो जाते हैं शराब पीने के बाद में। उनका जो कंट्रोल रहता है दिमाग के ऊपर, वो निकल जाता है और फिर कुछ ज़्यादा बातें करना चालू करेगा। या फिर कुछ लोग शराब पी के एकदम डाउन हो जाते हैं और कम बातें करते हैं। कम से कम 8 से 10 लाख लोग हमारे देश में हर साल शराब की वजह से मरते हैं, और कम से कम उतने 8 से 10 लाख लोगों को एक्सीडेंट में, शराब की वजह से एक्सीडेंट में उनको कुछ ना कुछ बीमारियां होती, मतलब जख्म होती है या उनको कुछ मार लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से उनको बीमारी हो जाती है। हार्ट डिसीजेस मतलब हृदय विकार, कैंसर, इसके बाद में शराब की वजह से होने वाली बीमारियां का तीसरा नंबर लगता है। शराब की वजह से काफी सारे मैन आवर्स, मतलब घंटे, बहुत सारे घंटे बर्बाद होते हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा शराब पिया, दूसरे दिन छुट्टी ले लेगा, कॉलेज स्कूल्स में बच्चे जाएंगे नहीं यदि वो शराब पीता होगा, तो लोग काम पे जाएंगे नहीं, छुट्टियां मारेंगे, या काम पे फिर प्रोडक्टिव काम नहीं करते, उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो शराब, बहुत ज़्यादा शराब पीने से लोग बहुत डाउन हो जाएंगे, वो नींद लेंगे, काम नहीं कर सकेंगे और स्टूपर्स हो जाएंगे। स्टूपर्स इसका मतलब कि भाई अभी हलचल कम हो जाएंगी, बहुत सारी नींद लेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा दर्द भरा ऐसा दबाया उसको ना, तो वो हुआ करेंगे सिर्फ, बाकी उसको दर्द भी कम लगता है और कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है। यदि उनको शराब नहीं दिया या शराब उन्होंने नहीं पिया, तो उससे फिर चिड़चिड़ापन आना, नींद नहीं आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ऐसा शुरू होता है। कभी कभी कुछ लोगों को तो बाहर जाते हैं, शराब पीते हैं और उनको बाद में मालूम ही नहीं होता नहीं है कि फिर बाद में क्या होगा। उनको दूसरे दिन सवेरे याद आता है कि अपन घर में है, मतलब शराब पी के वो कहीं गिर जाएंगे, रास्ते पे गिर जाएंगे, जहाँ पीते वो बार में गिर जाएंगे, फिर वहाँ से उनको कोई उठा के लाएगा और उनको मालूम ही नहीं रहता है, उनको उसको बोलते ब्लैकआउट, मालूम ही रहता नहीं है कि अपन शराब की वजह से पूरा, मतलब पूरी याददाश्त निकल जाती है, ब्लैकआउट बोलते उसको। जो शराबी है उनको बहुत ज़्यादा दिन तक शराब पीने की वजह, नशा करने की वजह से फिर भ्रम होना शुरू हो जाता है। आंखों का भ्रम, कान का भ्रम, आंख और कान,
या चमड़ी का भ्रम या फिर विचारों का भ्रम, शकीले बन जाते हैं। और अपने पत्नी के ऊपर शक करेंगे, लोगों के ऊपर शक करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि उनको लाइक अल्कोहल इंक्रीज द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, मतलब उनको सेक्स करने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाती है मगर वो सेक्स कर नहीं सकते, और इसके वजह से फिर पत्नी के ऊपर शक लेना, झगड़ा करना, झंझट करना, वो चालू हो जाता है। मतलब खुद नहीं कर सकते, शक करेंगे पत्नी के ऊपर, तो ऐसा भी होता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा, यदि बहुत ज़्यादा नशा करता होगा तो उसको हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में उनको अच्छी सारी नींद होने के लिए नींद की दवाइयाँ, फिर न्यूट्रिशियस इंजेक्शंस, विटामिन के इंजेक्शंस, फिर भूख लगेंगी उसके लिए कुछ दवाइयाँ, और उनको जो भी मतलब कोई कमी होंगी शरीर में खून तपासने के बाद में तो उसकी दवाइयाँ उसको देना जरूरी होता है। यदि बहुत साल से यदि वो पी रहा है तो वो अपना काम खुद नहीं कर सकता फिर बाद में, मतलब वही काम नहीं कर सकेगा। तो हम उनको क्या करते हैं, हमारे हॉस्पिटल में उनको एडमिट करते हैं, एक महीने से लेकर 3 महीने तक एडमिट करते हैं, भर्ती करते, दाखिल करते हैं उनके। उसके बाद में उनको कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन सिखाते हैं कि भाई वो अपने गाँव में जब जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, अपने एनवायरमेंट में जाएंगे, वातावरण में जाएंगे, तो वो वापस से उन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि वो पहले जैसा काम समझो नहीं करता होगा तो उसको खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, या घर चलाना कैसा, बहुत सारा कर्जा रहता है, कमाई नहीं रहती है, तो उसको हम वो भी सिखा दें कि भाई अभी जाके वो कमाई कैसे कर सकेंगे। कुछ ऐसी दवाइयाँ रहती है कि जो दवाई देने के बाद में यदि वो शराब पीता है तो उसको उल्टियाँ आती है, जिसके वजह से उसको धौंस बैठती है कि मैं यदि शराब पीऊँगा तो उल्टी आ जाएंगी, तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएंगी, तो वो उसके वजह से वो शराब पीता ही नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे है, और उसके बाद में उसके फैमिली का मतलब मानसोपचार, उसके खुद का मानसोपचार करना, साइकोथेरेपी करना, फैमिली के साइकोथेरेपी करना, ताकि वो फिर से वो शराबी ना बन जाए, तो वो हम इलाज करते हैं। हमको इतना याद रखना है कि शराबी एक बार है तो वो जिंदगी भर शराबी है। जैसे एक बार आपको डायबिटीज हो गया, समझ जाना कि वो जिंदगी भर के लिए डायबिटीज उसको है, शुगर की बीमारी है, वैसे एक बार यदि वो शराबी बन गया तो जिंदगी भर का वो शराबी है। वो कैसा कि शराब बंद करने के बावजूद भी कब वो शुरू करेगा वो मालूम नहीं है, वो कभी भी शुरू कर सकता है। इसलिए हरदम सतर्क रहना, दवाई लेना, और अल्कोहलिक एनोनिमस करके संस्था है, AA बोलते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस, जहाँ सब लोग जमा हो जाते हैं जिनको शराब छोड़ने की इच्छा है या जिन्होंने शराब छोड़ी हुई है, उनका एक समूह रहता है, ग्रुप रहता है, वहाँ ग्रुप साइकोथेरेपी होती है, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को शराब से दूर रहने के लिए मदद करते हैं। घर के लोगों को मुझे इतना ही बोलना है कि भाई उनको सपोर्ट करो, उनके ऊपर बहम मत करो कि नहीं तुमने लिया होगा, तुमने लिया होगा, आज लिया होगा, ऐसा उनको बहम नहीं करना। आर्थिक स्थिति यदि खराब हो चुकी है तो सब लोगों ने मिलकर उसको सुधारने की कोशिश करना है और एक नया जीवन वो चालू कर सकता है। मगर वो कभी भी शुरू करेंगे शराब लेना, इसके लिए हरदम सतर्क होना जरूरी है। आपके संपर्क में काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको शराब की लत लगी होंगी, शराब छुट्टी नहीं होंगी, उनको जरूर ये वीडियो बताएगा, मतलब बताइए उनको, शेयर करो। आपके आजकल तो क्या है कि सबके पास में व्हाट्सएप ग्रुप है, 30, 40, 50 व्हाट्सएप ग्रुप है, ये वीडियो लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, ताकि जिनको जो भी सोशल ड्रिंक कर रहे हैं वो उनको काम में आएंगे, जो भी शराबी है उनको काम में आएगा और वो इलाज कर सकेंगे और अपना जीवन अच्छा कर सकेंगे। हमारा तो उद्देश्य है, हमारा तो विजन ये है कि भाई मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और शराब मुक्त भारत, हर व्यक्ति पावरफुली उनका जीवन, सशक्त मतलब शक्तिशाली जीवन हर व्यक्ति जी सकेगा, और सक्षम, उसको क्षमता उसकी बढ़ाना, वो हमारा मिशन है। हर व्यक्ति का उसकी क्षमता बढ़ाना, उसको सशक्तिकरण करना, और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, एडिक्शन फ्री इंडिया करना, मतलब व्यसन मुक्त भारत, ही हमारा सपना है। आप भी उसमें हाथ भर लगाएगा, लोगों को ये शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।